हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सरलीकरण करना सीखेंगे, ब्रैकेट, भाग, गुणा, जोड़, घटाना कैसे किया जाता है आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो सरलीकरण करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम कैसे भाग करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कब भाग करते हैं, कब गुणा करते हैं। अगर सब धन ऋण गुणा भाग का सब एक में लिखा गया है तो आप उसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे कि सबसे पहले गुणा करेंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सरलीकरण में, सरलीकरण के लिए हमें यह जरूरी है कि सरलीकरण करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें जो ब्रैकेट या गुणा भाग धन ऋण लगा है तो हम उसको कैसे समझेंगे। इसको समझने के पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि ब्रैकेट क्या है और बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास का पूरा नाम क्या है। तो बोर्ड मास को हम को का भाग योग हिंदी में लिखते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बी से क्या होता है, तो देखिए बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। और ब्रैकेट कुल चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम उन चार प्रकार के ब्रैकेटों के बारे में पढ़ेंगे। ये चारों प्रकार के ब्रैकेट क्या हैं, तो सबसे पहले चलिए हम चारों प्रकार के ब्रैकेट पढ़ लेते हैं कि ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। तो ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के ब्रैकेटों के बारे में आज हम इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद तब आगे चलेंगे। तो देखिए एक तो होता है जिसको कहा जाता है कि रेखा कोष्ठक। देखिए ये रेखा कोष्ठक है। रेखा कोष्ठक को हम इंग्लिश में विंकुलम कहते हैं। रेखा कोष्ठक को हम दिखाने के लिए एक इस तरह से केवल एक लाइन खींच देते हैं, एक इस तरह रेखा खंड खींच देंगे तो ये हो जाएगा कि हो गया रेखा कोष्ठक हो गया। रेखा कोष्ठक को दिखाने के लिए जिसके ऊपर लगाना होता है उनके ऊपर हम इस तरह से रेखा लगा देते हैं। इसके बाद देखिए छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक देखिए, छोटे कोष्ठक को हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। छोटे कोष्ठक को राउंड ब्रैकेट कहा जाता है, राउंड ब्रैकेट। इसके बाद देखिए मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक देख रहे हैं, इसको कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट। और इसको हम देख रहे हैं इस तरह से लगाया जाता है, आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का कोष्ठक है। तो मझला कोष्ठक हो गया। और ये इसके बाद बड़ा कोष्ठक। बड़े कोष्ठक को हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं। और कोष्ठक देख रहे हैं चार प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया पाई कोष्ठक, एक हो गया छोटा कोष्ठक, एक हो गया मझला कोष्ठक और एक हो गया बड़ा कोष्ठक। इस तरह से चार कोष्ठक हो गए। इसके बाद ओ से हो गया आप। आपका अर्थ होता है का अर्थ होता है कि गुणा। इसके बाद हम देखेंगे डी। डी को क्या कहते हैं, देखिए डी को हम डिवीजन भाग कहते हैं। भाग को इस तरह से देखिए, ये भाग का निशान है, इसको भाग कहते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा हो गया। गुणा को हम इस तरह से क्रॉस करके दिखाते हैं। इसके बाद आता है एडिशन माने प्लस होता है। एडिशन का मतलब होता है योग। ये देखिए हो गया एडिशन का है योग हो गया। इसको हम धन चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं, देख रहे हैं धन हो गया। यस से होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का
मतलब होता है घटाना, और ये देखिए इस तरह से घटाना, घटाने को हम ऋण से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम ब्रैकेट कोष्टक आपका और डिवीजन डी मल्टीप्लिकेशन एम एडिशन ए और सब्ट्रैक्शन घटाना कोष्टक को हमने कोष्टक के बारे में बताया और का बताया। इसके बाद देखिए भाग हो गया, गुणा हो गया, योग हो गया, घटाना हो गया। तो अब हम सबसे पहले करते क्या हैं, अब हमको ये भी ज़रूरी है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बोर्डमास के नियम से, बोर्डमास के नियम से हम सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट तोड़ने के बाद तब आप को तोड़ते हैं, का को तोड़ने के बाद तब हम भाग को तोड़ते हैं, भाग को तोड़ने के बाद गुणा तोड़ते हैं, और गुणा को तोड़ने के बाद तब हम धन करते हैं, और धन के बाद तब ऋण करते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न दिया गया करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट हटाने के बाद तब का को हटाएंगे, का को हटाने के बाद तब डिवीजन को हटाएंगे, भाग करेंगे, भाग को हटाने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद एडिशन करेंगे, योग करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद आप घटाएंगे। ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको हम एक प्रश्न के द्वारा करने के लिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं, उसी प्रश्न के हिसाब से, उसी प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि सरलीकरण कैसे करेंगे। तो चलिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं। चलिए हमने एक प्रश्न इस तरह का ले लिया है कि 14 माइनस बड़ा कोष्टक, 12 माइनस मझला कोष्टक, 9 माइनस छोटा कोष्टक, 7 माइनस 6 माइनस 2। इसके ऊपर देखिए पाई कोष्टक लगा है। इसके बाद सभी कोष्टकों को बंद कर दिया गया, देख रहे हैं। पहले छोटा कोष्टक बंद किया गया है, इसके बाद मझला कोष्टक बंद किया गया, इसके बाद बड़ा कोष्टक बंद कर दिया गया। इस तरह से सभी ब्रैकेट को बंद कर दिया गया। अब देखिए सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप पाई कोष्टक को तोड़ेंगे। तो पाई कोष्टक को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर 6 और माइनस 2 के ऊपर पाई लगा है। तो इसको अब हम इसका हल शुरू करते हैं। तो चलिए हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे छोटे जो पाई कोष्टक लगा है, इसी पाई कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 6 माइनस 2 लिखा गया है, तो 6 में से 2 को घटाएँ कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4। हम इसको इस तरह से लिख देंगे। देखिए हमने प्रश्न को लिख लिया कि 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 7 माइनस, इस तरह से सवाल को लिख दिया। इसके बाद देखिए हल करते हैं। देखिए 14 माइनस 9 और देखिए 7, 6 में से 4 आ गया। इसके बाद देखिए लिख दिए 7 माइनस 4 हो गया, छोटे कोष्टक हो गया। इसके बाद मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक सबको बंद कर दिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 14 माइनस 12 और फिर 7 में से, इसके बाद हम सबसे पहले सबसे छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे। तो सबसे छोटे कोष्टक में लिखा गया है 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 में 7 में से 4 को घटा देंगे, 3 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको इस तरह कोष्टक में लिख दिए 3। अब इस कोष्टक को आप हटा देंगे, तो जब इस कोष्टक को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए हो गया 14 माइनस 12 माइनस 9 और माइनस 3 हो गया, मझला कोष्टक बंद हो गया और बड़ा कोष्टक बंद हो गया। लिख दिया गया कि 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 3 हो गया। अब 9 में से 3 को घटा देंगे, तो जब 9 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगी यहाँ पर 6। देखिए 6 को हमने मझले कोष्टक में इस तरह से रख दिया। इसके बाद बड़ा कोष्टक दोनों तरफ से लगा दिया। फिर आप क्या करेंगे, अब मझले कोष्टक को यहाँ से हटा सकते हैं। जब मझले कोष्टक को हटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब आप लिख देंगे 14 माइनस 12 माइनस 6 और इस तरह से बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। बड़ा कोष्टक बंद करने के बाद अब आपको 14 और इस तरह से बड़े कोष्टक माइनस 6 लिखे हैं। अब इस बड़ा कोष्टक को यहाँ से हटा सकते हैं। जब इसको हटा देंगे तो हो जाएगा
माइनस छः हो गया, 14 में 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा 8, और यही इसी तरह आपका आंसर आ गया 8। इसी तरह से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ और प्रश्नों को लेकर के हल करते हैं। जैसे देखिए, अगर प्रश्न दे दिया गया है 21 धन 18 भागे 3 दिया गया है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? इसमें देख रहे हैं 18 भागे 3 लगा है, तो सबसे पहले आप भाग को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 धन 3 6 18, और 21 6 27 हो गया। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। कोई भी प्रश्न रहे, जैसे लिखा गया है 2 गुणे 3 धन 5 गुणे 3, तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, और 5 3 15, इसके बाद जोड़ देंगे 21 हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।